हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर मिस्टर सिंह में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम फाइल शेयर के अंदर सॉफ्ट डिलीट कैसे इनेबल करते हैं और हम कैसे डाटा रिकवर कर सकते हैं सॉफ्ट डिलीट के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहले हमारा AWS के सॉरी एजोर के ऊपर स्टोरेज अकाउंट, उसके बाद स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमें एक फाइल शेयर क्रिएट करना है। फाइल शेयर का स्नैपशॉट लेना है आपको, नहीं लेना है। फाइल शेयर को हम डिलीट करेंगे और उसको फिर सॉफ्ट डिलीट से हम रिकवर करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपने एजोर कंट्रोल पे। एजोर कंट्रोल पे लॉगिन करते हैं हम। यहाँ पे मैंने अपनी आईडी पासवर्ड पहले से डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं डाल रखे हैं तो आप डाल सकते हो। मैंने भी शायद हिस्ट्री क्लेम की थी तो ये मुझसे दोबारा पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड डालना है आपको, जो भी आपने रखा हुआ अपना पासवर्ड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा है, हमें एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है। तो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ मैं एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो हम एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। स्टोरेज अकाउंट के लिए स्टोरेज अकाउंट के अंदर जाना होगा हमें। स्टोरेज अकाउंट के अंदर जाते हैं, उसके बाद हम एक स्टोरेज अकाउंट ऐड कर लेते हैं। एड अपने सब्सक्रिप्शन पूछता आपसे, जो आपकी होगी वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके रिसोर्स ग्रुप पूछेगा, आप कोई भी रिसोर्स ग्रुप दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो रिसोर्स ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज अकाउंट का नाम पूछेगा आपको, जी 0 1 2 3 4 5 कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। चलो लोकेशन में यहाँ पे साउथ ईस्ट US लेता हूँ। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ले रहा हूँ मैं, अकाउंट काइंड स्टोरेज B2 जो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है, जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, वही सेलेक्ट कर रहा हूँ। और रेप्लिकेशन में मैं अभी LRS ले रहा हूँ, लोकल रेडंडेंट स्टोरेज। ठीक है, और एक्सेस टियर में हॉट ले रहा हूँ, और नेटवर्किंग में नेक्स्ट करके इसको पब्लिक अलाउ कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देता है ये को, अगर सॉफ्ट डिलीट टर्न ऑन सॉफ्ट डिलीट फॉर द फाइल शेयर, सॉफ्ट डिलीट इनेबल यू टू रिकवर फाइल शेयर दैट वर प्रीवियसली मे मार्क्ड फॉर डिलीशन। तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो। कितने टाइम के लिए आपको वो रखना है? यहाँ पे ये मैक्सिमम डिफॉल्ट 7 डेज के लिए है, कि मतलब अगर आप स्टोरेज फाइल शेयर को आपके डिलीट कर देते हो तो वो सॉफ्ट डिलीट के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। कितने टाइम के लिए रहेगा वो वैलिड? यहाँ पे अभी 7 डेज है, आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो रिड्यूस कर सकते हो, बट उसमें आपको कॉस्टिंग लगेगी उसकी, अगर आप मैक्स ज़्यादा दिन और लेते हो तो। ठीक है, तो मैं इसको डिफॉल्ट 7 डेज लेके चल रहा हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, और रिव्यू करके क्रिएट कर लेते हैं हम इसको। उसके बाद क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट होने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी क्रिएट हो जाएगा आपका स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, तो आपका देखिए हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया। हम उसके बाद क्या करते हैं, गो टू रिसोर्स करते हैं और हम अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो आपको देखो यहाँ पे जनरल पर्पज V2 में आपको सारे ऑप्शन देता है ये ऐड करने के लिए, अकाउंट क्रिएट करने के लिए, कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल एंड क्यू। इसलिए ही माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है, ये लेटेस्ट वर्जन है, सारी सिक्योरिटीज मिलेंगी आपको इसमें। तो इसके बाद हमें क्रिएट करना है फाइल शेयर। फाइल शेयर क्रिएट कर लेते हैं एक, मैं यहाँ पे फाइल शेयर ऐड करता हूँ। फाइल शेयर का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे डेमो। फाइल शेयर का साइज सेलेक्ट करना है आपको, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं 5 GB ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको किस टाइप का अकाउंट स्टोर फाइल शेयर क्रिएट करना है, हॉट, कूल, ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ से प्रीमियम लेने तो प्रीमियम भी ले सकते हो, बट अभी ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड नहीं किया है फीचर, क्योंकि ये अभी जो ऑप्शन आए हैं यहाँ पे, ये हॉट एक्सेस कॉल, ये पहले नहीं आते थे, फाइल शेयर में नहीं आते थे, ये सिर्फ आपके ब्लॉब स्टोरेज में आते थे, बट अब ये सारे उसके अंदर देने लग गए हैं फीचर्स। तो यहाँ पे हम इसको हॉट लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ डाटा कॉपी कर लेते हैं, कुछ डाटा अपलोड करते हैं डेमो पर्पज के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल अपलोड करता हूँ, ब्राउज करवाता हूँ मैं, ओके करता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। मेरी फाइल अपलोड हो गई है मेरे फाइल शेयर के अंदर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है सॉफ्ट डिलीट कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं वापस से अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर आऊंगा। स्टोरेज अकाउंट के अंदर आने के बाद हम फाइल शेयर में जाएंगे और मैं इस फाइल शेयर को ही डिलीट कर दूंगा, जो ये मेरा फाइल शेयर है। मैं फाइल शेयर को क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको फाइल शेयर का नाम पूछेगा, आपको फाइल शेयर का नाम टाइप करना है, तो यहाँ पे डिलीट का बटन हाईलाइट हो जाएगा। मैं इसको ओके करता हूँ तो देखिए मेरा फाइल शेयर डिलीट हो गया है यहाँ से। देखिए यहाँ पे आपको कोई फाइल शेयर नहीं दिखा रहा अभी, क्यों? क्योंकि आपने वो फाइल शेयर डिलीट कर दिया है। तो अब इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं फाइल शेयर को? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको आपने बैकअप ले रखा हो अपने फाइल शेयर का, या फिर आपने स्नैपशॉट ले रखा हो, ठीक है। बट तीसरा तरीका है आपका सॉफ्ट डिलीट का। सॉफ्ट डिलीट जो हमने जब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया फाइल शेयर, उस टाइम पे हमें उसने ऑप्शन दिया था कि हम स्टोरेज सॉफ्ट डिलीट को इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऊपर ही दिखा रहा है सॉफ्ट डिलीट 7 डेज, शेयर कैपेसिटी कितनी थी, 5 TB तक आप इसको शेयर कैपेसिटी दे सकते हो। तो आपको चेक कैसे करना है कि मेरा कोई मैंने फाइल शेयर डिलीट किया हुआ है सॉफ्ट डिलीट के अंदर, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, यहाँ से शो डिलीटेड शेयर के अंदर जाऊंगा मैं यहाँ से, और मुझे यहाँ पे मेरा जो फाइल शेयर मैंने डिलीट किया था वो मुझे दिखा देगा। तो मैं इस फाइल शेयर को 7 दिन तक यहाँ से रिकवर कर सकता हूँ। अगर मान लो मैंने आज डिलीट किया है, तो आज से 7 दिन तक वो यहाँ पे रहेगा, उसके बाद वो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्यों रहेगा, क्योंकि हमने सॉफ्ट डिलीट इनेबल किया हुआ है। तो इस तरह से हम सॉफ्ट डिलीट इनेबल कर सकते हैं। अब रिस्टोर कैसे करना है आपको, आप डेमो अपने फाइल शेयर जो डिलीटेड का यहाँ पे आप देखोगे, तो आपको जो आपका फाइल शेयर डिलीटेड दिखा रहा है उसके ऊपर जाओगे और यहाँ से अनडिलीट कर दोगे इसको, ठीक है। वापस आप नॉर्मली अपने रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका डेमो फाइल शेयर जो आपका था वो आपको दिखा रहा है, और उसके अंदर जो फाइलें होंगी आपकी वो फाइल भी दिखा देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉफ्ट डिलीट इनेबल कर सकते हो अपने फाइल शेयर के अंदर। अगर आपको उसकी परमिशन चेंज करनी है फाइल शेयर की, जैसे मतलब परमिशन मतलब कि आपको टाइम पीरियड चेंज करना है, कि मुझे 7 दिन नहीं मुझे 1 दिन रखना है, या मुझे 7 दिन नहीं मुझे 50 दिन रखना है, तो वो अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से दोबारा भी चेंज कर सकते हो। बाद में यहाँ से आप इसको बढ़ा दो, मैक्सिमम ये आई थिंक आपको 365 दिन का दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको सॉफ्ट डिलीट डिसेबल करना है तो आप यहाँ से सॉफ्ट डिलीट डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मेरा ऑप्शन जो वहां पे आपको सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन आ रहा था, वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको सॉफ्ट डिलीट डिसेबल है अभी। अगर मान लो मैं अभी इसको फाइल शेयर को डिलीट करता हूँ, तो डिलीट करने के बाद मुझे ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाएगा फाइल शेयर, क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या किया हुआ है, सॉफ्ट डिलीट को डिसेबल कर दिया है, वो रिकवर नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं दोबारा से आपको, हमने यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है, और मैं इसको फाइल शेयर को डिलीट करता हूँ अभी। डिलीट फाइल शेयर नाम डालते हैं हम फाइल शेयर का, ओके करते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखिए यहां से सो डिलीटेड आइटम करने के बाद भी आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हमने सॉफ्ट डिलीट को डिसेबल कर रखा है, ठीक है। तो सॉफ्ट डिलीट का बेनिफिट ये रहता है आपको कि अगर आपने कोई गलती से डिलीट कर दिया है, तो आप सॉफ्ट डिलीट के थ्रू भी अपना डाटा रिकवर कर सकते हो। लाइक बैकअप करते बैकअप लेते हैं, जैसे हम स्नैपशॉट लेते हैं, बट
ऐसे ही आपका सॉफ्ट डिलीट काम करता है, बट वो सॉफ्ट डिलीट आपका एक टाइम पीरियड के लिए होता है, आप कब तक, सॉरी, आपने कब तक के लिए उसको इनेबल किया है, कब तक का टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट किया है वहां पे, ठीक है। तो होप आप लोगों के लिए काफी अच्छी वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है, तो कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट ही है जो सब कुछ है हमारे लिए, ठीक है। और आज मैंने काफी टाइम बाद, मतलब कम से कम आई थिंक 1 वीक के बाद वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जिस वजह से मैं वीडियोज नहीं बना पाया, बट अभी कोशिश करूंगा कि मैं भी अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको 2 से 3 3 दिन वीडियो 2 से 2 3 3 वीडियो 1 दिन के अंदर बना के दूँ, ताकि इस कोर्स के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।